आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ कस्टम फॉर्मेटिंग, सॉरी फॉर्मेटिंग ट्रिक्स। हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में, मतलब कि हमने आपको कल फॉर्मेटिंग से चीजें बताई, बताएंगे कि हम किस तरह से फॉर्मेट करते हैं, राइट सर। तो फॉर्मेटिंग के कुछ ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स हम आपको यहां पे समझाएंगे। क्योंकि बाकी फॉर्मेटिंग करने तो आपको आता ही है, तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हम वर्ड में जाते हैं तो वर्ड में लिखते हैं 10, TS लगाते हैं तो 10 ऊपर चला जाता है, देखा होगा। बट यहां पे नहीं जाता, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको सिलेक्ट करना है, फिर इस पे राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहां होता है आपका सुपर स्केल। जैसे आपको मान लो थर्ड है, हमने आरडी यहां पे आरडी दिया हुआ है, तो यहां पे हमें इसको सेलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहां पे सुपर स्केल आ रहा है। 10 डिग्री करना है तो 10, हम यहाँ पे बड़ा नहीं छोटा स्मॉल वो लिखेंगे और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, सुपर स्केल। स्क्वायर करना आपको तो 102 और इस पे फॉर्मेट सेल, सुपर स्केल। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी 10 स्क्वायर किया तो अभी आपको 10 स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। रीजन कि सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट जो है सिर्फ नंबर्स पे, टेक्स्ट पे चलता है, नंबर्स पे नहीं। तो सिंगल कोड लगा के 102 यहाँ पे लिखिए और फिर इसको हमने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और सुपर स्क्रिप्ट। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और नीचे की तरफ चाहिए तो H2, इस 2 को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट से सब इसके। ये तो छोटी मोटी चीजें कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं हम बॉर्डर्स से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स, जैसे कि हमारे पास सर सर इस सर इसी में एक छोटी सी क्वेरी है। हेलो हेलो सिंह जी पूछिए। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट कर दिया, एक एक दो नंबर है, तो अगर मान लो थोड़े अगर ज्यादा नंबर रहेंगे तो इसका कुछ एक साथ करने का तरीका है? नहीं। अच्छा, इसको 1-to-1 ही करना होगा। ओके। बेसिकली क्या है कि मेरे पास, मैं प्रिंटिंग पर्पस पेंट आउट निकालना था, बता देता हूँ मैंने क्या किया था उसके लिए। कुछ कुछ नंबर्स इस तरह से आए थे हमारे पास, कुछ नंबर्स इस तरह से आए थे। अब मुझे इस नंबर्स जो थे, नंबर नहीं था ये हमारा डिग्री था, तो हमें प्रिंट आउट निकालना था, कुछ डिग्री बनाना था, तो हमने स्मॉल ओ लिखा, स्मॉल ओ, और फिर इसके ऊपर राइट क्लिक, फॉर्मल सेव, और हमें यहाँ पे सुपर स्किप कर, और इसको नीचे कर, और इसको सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे अपर में
और साथ में पेज लेआउट पे गया और मैं अपनी ग्रिड लाइन को हटा दिया। ठीक है सर। और बॉर्डर जो हमने लगाया, देखिए बॉर्डर कैसे लगाया, हमने बॉर्डर में गया, हमने ऊपर का लगाया, नीचे का लगाया, साइड का लगाया, ये लगाया बी सॉरी ये लगाया, ये नहीं था, ये लगाया, बीच का जो होता है ना इसको नहीं लगाया। दिख रहा ना एक की तो छोटा कर देते, समझ गया। ओके और इसको सर अगर इस वजह से कॉन्केटिनेट करते हैं तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, वो बल्कि पर्टिकुलर टेक्स्ट को करता है ना, टेक्स्ट जो सिलेक्टेड होता है एडिट मोड, कॉलम क्या होता है ना, जैसे एडिट मोड में आप जाते हैं तो आपको हर किसी के अंदर एडिट मोड में करना होगा, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो पूरा टेक्स्ट को ऊपर कर देगा, ये प्रॉब्लम होती है। आगे बढ़े। हाँ जी हाँ जी। अब जैसे देखिए नंबर्स है, इसमें से कुछ नंबर्स गलत है, तो पेन और पेंसिल होता तो मैं क्रॉस का निशान लगा देता ना, बट पेन और पेंसिल नहीं है तो क्या करेंगे, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और हम यहां से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां से इसको सिलेक्ट करेंगे, कलर भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं, कलर में रेड कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, एंड F4 करेंगे तो लास्ट एक्शन रिपीट होगा। अब सही का निशान दे रहा है तो क्या करना है, यहां पे कलर ग्रीन करते हैं, ये नहीं ये होगा, ये नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस से, आप चाहोगे कि इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग लगा लो, फिल्टर लगा लो, कंडीशन लगा लो तो नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला कभी भी फॉर्मेट को रीड नहीं करता, तो उसके लिए कैप्स में हम यहां पी लिखेंगे और फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और हम यहां फॉर्मेट सेल के बोर्ड में फॉन्ट में या यहां से भी होम मेनू बार से मैं कर सकता हूं, इसकी जो फॉन्ट है वो मैं यहां पे इसकी फॉन्ट बाइंडिंग टू जो है वो कर दूंगा। और क्रॉस चाहिए तो हम कैप्स में ओ लिखेंगे, और फिल्टर चाहिए तो एक्चुअली में ये दिख रहा है इस तरह का सिंबल बट है तो पी ना, इसके ऊपर फॉर्मेटिंग फिल्टर कैलकुलेशन सब कुछ किया जा सकता है, राइट सर। लेकिन ये फॉन्ट अगर नहीं हुआ तब क्या करेंगे, तो उस केस में मैंने जे इस पे कैप्स में जे को लिखा और हाँ यहां पे हमारा राइट क्लिक करते हैं तो इसमें अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट में आपके पास ए ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन को सिलेक्ट कर लेता हूं -45 डिग्री के एंगल अक्रॉस के लिए, तो एक्स है, इसका यूज इसके लिए नहीं होता है, इसका यूज जैसे कि हम कल अटेंडेंस बनाए थे, जैसे आज भी एक अटेंडेंस पे एग्जांपल देता हूं, जैसे कि नेम हो गया, सिटी हो गया, मार्क्स सिटी और डेट हो, डेट नहीं डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और फिर यहां पे हम डेट देते हैं आज, इस बार जो है डेट को हम चेंज नहीं करते, डेट को हम जो डेट होता है उसी फॉर्मेट में रखते हैं, हमने कल तो किया था ना, याद देखा होगा आपने कि हमने उसको डे कर दिया था, उसके ऊपर मंथ रख दिया था, तो पूरा डेट चाहिए हमें यहां पर, लेकिन वो डेट विजिबल होना चाहिए, हम यहां पे कुछ नाम दे देते हैं,
यहाँ पी करके दे देते हैं। प्रॉब्लम यही है कि इसको एक पेज पे प्रिंट आउट करना मुश्किल है। मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करता हूं ऑटो फिट तो भी नहीं। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ हमारा हेडिंग बड़ा है, डेटा तो छोटा ही है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे राइट क्लिक फॉर्मेट से, और फॉर्मेट यहां से भी कर सकता हूं या फिर ये रहा आपका, यहां से भी किया जा सकते हैं। तो हमने इसको ये ले लिया रोटेट टेक्स्ट अप, और फिर इस पूरे सीट को सिलेक्ट करके वापस डबल क्लिक कर देता हूं। एक पेज प्रिंट हो गया ना सर। अलाइनमेंट का यूज यहां भी करते हैं, ठीक है राहुल जी? जी सर, नोट इट। तो इस तरह के इस्तेमाल आप कर सकते हो। कभी कभी देखा हुआ नाम वगैरह को तिरछा होता है, तो आप इसको तिरछा भी आप चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि हम इस तरह से करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका कोई खास यूज नहीं होता, वो तो ऐसे दिखावा के लिए होता है। ओके, अब अलाइनमेंट के बाद हम बात करते हैं रैप टेक्स के ऊपर। हाँ, रैप टेक्स के ऊपर, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा सुजीत कुमार। अब देखिए टेक्स थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो हम इसको चाहते तोड़ना तो हम रैप कर देंगे। एक होता है सिर्फ डबल क्लिक कर दीजिए तो कॉलम बड़ा कर देगा, कॉलम को बड़ा नहीं करना है तो रैप टेक्स्ट करेंगे तो तोड़ के नीचे आ जाएगा। तो यहां पे अगर मैं चाहूं कि अपने हिसाब से तोड़ू तो यहां ऑल्ट प्लस और एंटर कर लीजिए। ऑल्ट वीर सिंह जी, फिर आप लॉग आउट हो गए? हाँ सर, वो एक्चुअली थोड़ा सा पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है आज। एक बार राइट दे दो रिकॉर्डिंग का। ऑल्ट एंटर करेंगे तो जो हैगा जहां से मर्जी वहां से तोड़ सकते हैं, बट रो बड़ा हो जाएगा। तो मैं ना ऑल्ट एंटर करना चाहता हूँ, रैप टेक्स्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना बड़ा मेरा कॉलम है उतने रात में फिक्स हो जाए। तो फॉर्मेट सेल पे गया और अलाइनमेंट में ही यहां पे श्रिंक टू फिट होता है। इस श्रिंक टू फिट को सिलेक्ट करके ओके कर दिया तो जितना बड़ा कॉलम उतना बड़ा डेटा आ गया। हम डेटा को बड़ा करेंगे तो बड़ा होगा, छोटा करेंगे तो छोटा होगा। ओके सर, तो बड़ा होता है ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा कर दोगे, ओरिजिनल साइज तक ही जाएगा। मर्ज की बात करते हैं तो अगर मैं एक एरिया मर्ज करता हूं ये आपका मर्ज हो जाता है, लेकिन मैं इसमें मर्ज एक क्रॉस, तो मर्ज पता ही होगा मर्ज एक क्रॉस होता है, वो आपको एक क्रॉसली मर्ज करता है। सर यूज आप कर सकते, बाकी एक शॉर्ट फॉर्मेट तो यहाँ पे होता ही है, यहाँ से आप ले सकते हैं। इसमें एक इंडेंट था जो कि मैंने नहीं बताया, इंडेंट बता देता हूँ, इसलिए मुझे भी कोई टेक्स्ट लेना होगा, सेम नंबर ही ले लेते हैं मान लीजिए। चलिए ठीक है सर। तो वन क्वेश्चन हियर, जब हम पूरा सेलेक्ट कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो श्रिंक टू फिट फॉर्मेटिंग ग्रे आउट रहती है, क्या बोल रहे हैं? जब हम सपोज करो मेरे कॉलम में बहुत सारे कस्टमर कोड वेंडर कोड हैं और मैं जब राइट क्लिक करके श्रिंक टू फिट करने जाऊंगा तो वो ग्रे आउट रहता है कि मतलब ऑप्शन विजिबल नहीं होता, मतलब कि आप नहीं सेलेक्ट कर सकते। सही, मर्ज होगा सर एक्चुअल में, करिए आप राइट क्लिक, राइट पे मर्ज होता है वहां पे नहीं होता। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि आपके पास अपर है, अपर कर सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं ना, तो जब सेंटर राइट और मिड करते हैं तो बीच में चला जाता है, लेफ्ट में चला जाता है। मैं अपने हिसाब से आगे पीछे करना चाहता हूँ, ये इंडेंट होता है।
ठीक है सर, ठीक है, ओके, क्लियर है? यस, गॉट इट। चलिए तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, क्योंकि वीर सिंह जी का जो प्रॉब्लम हो रही है, आगे का टॉपिक है हमारा नंबर फॉर्मेटिंग, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। राहुल, राहुल।